जैसे कि आपको पता होगा, एप्पल ने नया फ़ोन लॉन्च किया है, विच इज़ एप्पल आईफोन एसी 2020 मॉडल। तो जैसे कि आपको पता होगा, हम जो शूट कर रहे हैं वो है एप्पल आईफोन एसी 2016 का मॉडल। तो हम अभी कंपेयर करते हैं उससे कि क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या आप 2016 से कंपेयर किए तो क्या ये अच्छा है, क्या ये वर्थ है 2020 में। तो ये सब हम बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चेंज इन एप्पल आईफोन एसी 2020 इज़ द साइज़। ठीक है फ्रेंड्स, एप्पल आईफोन एसी 2016 का जो मॉडल था उसका साइज़ था 4 इंचेस स्क्रीन साइज़, और ये जो 2020 का मॉडल है उसकी साइज़ होने वाली है 4.7 इंचेस। ठीक है, थोड़ा सा ही बड़ा है, पर 100 मोबाइल होगा ये भी। एप्पल ने ये नियरली आईफोन 8 को कंपेयर करके बनाया है, तो आप बोल सकते हैं कि ये नियरली आईफोन 8 जैसा ही दिखने वाला है। तो एप्पल ने ये बताया भी है कि अगर आपने एप्पल आईफोन 8 का अगर कवर इसको लगाया तो ये होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एप्पल आईफोन 8 जैसा होने वाला है। पर द बिगेस्ट चेंज इन दैट इज़ इसकी जो बायोनिक चिप होती है, जो आईफोन की बायोनिक चिप होती है, जैसे कि हम स्नैपड्रैगन वगैरह देखते हैं एंड्रॉयड में, वैसे ही एप्पल में बायोनिक चिप होती है, विच इज़ 8 13, जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 11 प्रो में अवेलेबल है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, जैसे 11 प्रो में देखने को मिलता था। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो एप्पल में होती है वो है रैम और उसकी बैटरी। तो जैसे कि आपको पता होगा, एप्पल वो हमेशा छुपा के रखता है कि उसके रैम कितनी होगी, उसकी बैटरी कितनी होगी। पर हम अगर अंदाजे से देख ले, साइंटिफिकली देख लिया जाए तो ठीक है, इसकी जो रैम होने वाली है वो नियरली 3 GB होने वाली है। एप्पल आईफोन एसी में 2 GB रैम है, पर उसका परफॉर्मेंस अगर आपने देखा ना, तो पबजी वगैरह बहुत ही बड़े बड़े गेम्स बहुत ही स्मूथली उसमें चलते हैं विदाउट अ लैग। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे हैं, 2 GB रैम भी बहुत अच्छे, अगर 3 GB रैम वो प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि 3 GB या 4 GB रैम उसमें होने वाली है। और अगर अपने बैटरी लाइफ के बारे में देखा जाए, तो जैसे कि आपको पता होगा, A13 की बायोनिक चिप है और सिर्फ 4.7 इंचेस का डिस्प्ले है। तो जैसे कि आपको पता होगा, A13 की जो बायोनिक चिप है वो सबसे लेस बैटरी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो नियरली मोर देन आईफोन XR से भी ज़्यादा आपको इसकी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, तो ये प्लस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, और एक सबसे बड़ा चेंज है इस एप्पल आईफोन एसी 2020 के मॉडल पे। ठीक है, हम एप्पल आईफोन एसी 2 बोलते हैं, एप्पल आईफोन एसी 2 में सबसे बड़ा चेंज है वो है कि इसका प्राइमरी कैमरा और सेल्फी कैमरा। ठीक है, प्राइमरी कैमरा जैसे एप्पल आईफोन एसी में था 12 MP, वैसे ही आपको देखने वाला है 12 MP का। और फ्रंट कैमरा अगर देखा जाए तो 1.2 MP एप्पल आईफोन एसी 2016 मॉडल में था, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 7 MP का। तो जैसे आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि एंडिंग में जब सेल्फी की मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी, तो आपने देखा होगा बहुत ही क्लियर वीडियो आई थी, मतलब 1.2 MP ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो जैसा आप फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, एप्पल मेगापिक्सल का गेम नहीं खेलता है। ठीक है, आप इसको मतलब 108, ठीक है, इतना मेगापिक्सल वाला देखने को भी नहीं मिलेगा, 12 MP, 16 MP इतना ही होता है। पर इतने में ये जो परफॉर्मेंस देता है ना यार, तो वो 108 या 208 के मतलब मेगापिक्सल भी नहीं दे सकते। तो ये एक अलग बात है एप्पल आईफोन के बारे में। तो इसका जो बैक कैमरा होगा वो है 12 MP, फ्रंट कैमरा होगा वो है 7 MP का। अभी ये जो एप्पल आईफोन है वो आउट ऑफ इंडिया मतलब अमेरिका में लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो वो 3 बेस वेरिएंट में, जैसे मैंने आपको बताया था, 64 GB, 128 GB और 256 GB, ऐसा 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हो चुका था। आप इसके प्राइस रेंज देख सकते हैं इधर और इधर। ठीक है, तो अगर ऐसी प्राइस रेंज देखी जाए ना, तो बहुत ही सस्ता बोलेंगे कि 64 GB वाला 30,000 के आसपास मिल रहा है, अगर हमने USA में देखा तो। पर अगर इंडिया में देखा ना यार, तो इन्होंने इंडिया में इसकी बेस प्राइस रखी है 42,500। मीन्स ओ शिट, मतलब यार मैं समझ सकता था कि इसकी प्राइस, ठीक है, अगर 30,000 USA में होगी तो इंडिया में 35,000 वगैरह तो ठीक है ना, 36 भी ठीक है, आप डायरेक्ट 12,500 रुपये बढ़ा रहे हैं, मतलब कितना प्रॉफिट लेंगे यार, मतलब ये ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर आप 6,500 की प्रॉफिट हर एक मोबाइल के पीछे, मतलब MRP के पीछे अलग प्रॉफिट और ये सेल्स टैक्स के बीच में अलग प्रॉफिट, तो ये मतलब सबसे डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है इस मोबाइल में, ये है इसका प्राइस रेंज। और सेकंड सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है वो है इसकी दो बेजल्स ऊपर और नीचे।
जी हाँ फ्रेंड्स, ऊपर और नीचे इसको भी बेजल्स दिए गए हैं, जैसे कि एप्पल आईफोन 8 वगैरह उसमें उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, पर अगर आप वैसे हो कि आपको बेजल्स वगैरह पसंद है, आपको ओल्ड फैशन मतलब ओल्ड लुक वाले आईफोन बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर से मतलब ले सकते हैं। और एप्पल ऐसा मोबाइल है ना यार कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, मोर देन मतलब 3-5 ईयर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम वगैरह ले रहे हैं एप्पल तो ये भी बहुत अच्छा होगा, पर अगर प्राइस रेंज इसकी इतनी रहती है ना तो मेरा तो मतलब 50-50 है। अगर इसके कलर के बारे में बात की जाए तो 3 कलर्स में ये अवेलेबल है, वाइट, ब्लैक एंड थर्ड इज रेड कलर, ठीक है, रोजी रेड कलर आप इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कैमरा के कुछ फोटोग्राफ्स इसमें जो खींचे गए हैं ट्रायल के समय, तो वो मुझे एप्पल की वेबसाइट में जो मिले थे वो मैं इस पर डिस्प्ले करता हूँ स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं ये सब के सब जो कि एप्पल आईफोन SE 2020 में खींचे गए हैं, तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। लो लाइट फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, रूम फोटोज़ भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडियो फोटोज़ तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इसका और एक मेजर चेंज है कि इसको पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल है।